बच्चों, आज हम द्रव्यमान केंद्र नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें घूर्णन गति शामिल है। देखिए, हमारे पास गति तीन प्रकार की होती है। गति नंबर वन क्या हो जाती है? लीनियर मोशन, रैखिक गति। इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉइंट या बिंदु वस्तु मानते हैं और वो सरल रेखा में गति करती है। एक दूसरी हो जाती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होता है, मेरे पास एक सेंटर होता है और सेंटर के चारों ओर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, इसको मैं वृत्तीय गति बोलता हूँ। तीसरा होता है घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होता है, एक बॉडी होती है और इस बॉडी से एक घूर्णन अक्ष जाता है। घूर्णन अक्ष के परितः, अब घूर्णन अक्ष के परतः गति हम निकालते हैं तो ये गति घूर्णन गति कहलाने लगती है। अब घूर्णन गति में क्या प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए ये वाली एक वस्तु है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट पॉइंट है और बॉडी मूव करके यहाँ से यहाँ तक कोणीय वेग ओमेगा से घूम गई। कोणीय वेग सबके लिए थीटा तो कैसा होता है, थीटा, ठीक है। इस स्थिति में सभी कणों के लिए कोणीय विस्थापन थीटा का मान समान होता है, होता है, लेकिन रैखिक विस्थापन सबका अलग अलग होता है। ये देखिए, ये कोण तो सबका थीटा है, लेकिन ये 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 इनका मान सबके लिए अलग अलग है। चाप अगर बहुत छोटा है तो सबके लिए ये दूरी अलग अलग है। तो हमें किस वस्तु की या इस वस्तु में कहाँ कहाँ किस पॉइंट की स्टडी करना है, पढ़ने में दिक्कत आती है, तो हम बॉडी का पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पर एकत्रित करके केवल उसी द्रव्यमान की स्थिति या उसी द्रव्यमान की स्टडी करते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान केंद्र कह देते हैं, और द्रव्यमान केंद्र को सेंटर ऑफ मास से शो करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा डिफाइन होता है किसी किसी वस्तु पर स्थित वह बिंदु जहां पर का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना
जाता है वह वस्तु का द्रव्यमान केंद्र क्या है लाता। तो हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पर स्थित वह बिंदु जहां पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित मान लेते हैं वह वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम एक रूल निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। तो हम बहुत सारी बॉडी लेते हैं, नंबर वन दो द्रव्यमान ठीक बिंदुओं का द्रव्यमान केंद्र को करने के लिए मैं क्या करता हूं। मान लीजिए मैंने दो बिंदु ले लिए, एक ए ले लिया एक बी ले लिया, पर एक वस्तु का द्रव्यमान एम वन और दूसरा कितना रखा हुआ है एम टू रखा हुआ है। ठीक, यहां पर क्या करता हूं, एक काल्पनिक अक्ष ले लेता हूं। काल्पनिक अक्ष का यहां से दूरी कितनी हो गई एक्स वन, यहां से दूरी कितनी हो गई एक्स टू के मान के बराबर। ठीक है, जैसे आप शीशे का गेम खेलते हैं, शीशे में क्या होता है, एक साइड एक बच्चा बैठ जाता है, दूसरे साइड एक बच्चा बैठ जाता है। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो इसका जो टिकाऊ बिंदु या फलक्रम होते हैं उसको कहीं बीच में ला के रखते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है। इन द सेम वे मैं ये मान लेता हूं कि वस्तु का द्रव्यमान केंद्र सी एम है। ठीक, इसके यहां से दूरी एक्स के मान के बराबर है। तो मैथमेटिकली में आपको मालूम है कि अगर ये द्रव्यमान केंद्र सी एम है और अगर ये बैलेंस है तो इसका और इस दूरी का गुणनफल और इस द्रव्यमान और इस दूरी के बीच का गुणनफल अगर बराबर है तो सिस्टम बैलेंस होगा। तो इसलिए मेरे पास क्या होगा, संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में मेरे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, एम वन इंटू ए, इसको सी कर दीजिए, ए सी इक्वल टू एम टू इंटू बी सी, ये एम वन हो गया। ए सी का अगर अपन मान निकालें तो ये ए सी ये कितने के इक्वल हो गया, एक्स माइनस एक्स वन हो गया एम टू। बी सी का अगर अपन मान निकालें तो ये कितना आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स के मान के बराबर हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा तो आपके पास ये आएगा, यहां पर इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू के मान के बराबर आता है। यह एक विमी ठीक है अक्षीय स्थिति में दो बिंदु स्थिति में दो बिंदु निकाय का द्रव्यमान केंद्र है आ जाता है आपके पास। ठीक है, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर क्या करता हूं, या दो विमी ठीक है समतल में एक तीन द्रव्यमान निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाल लेता हूं। ठीक, तो इसको करने के लिए मैंने यहां पर मान लीजिए ये आपके पास एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और जेड अक्ष है।
यहां पर मैंने तीन द्रव्यमान ले लिए m1, इसकी पोजीशन हो गई x1 y1, दूसरा हो गया m2 x2 y2, तीसरा हो गया m3 x3 y3। ठीक, कि यहां से होता दूरी, यहां से दूरी या यहां से होता दूरी, मैंने केंद्र से x1 y1 ये पोजीशन मान ली। मान लीजिए इसका कहीं पे द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, ये मैंने यहां पर द्रव्यमान केंद्र C मान लिया, सेंटर ऑफ मास, इसकी पोजीशन यहां पर x और y के मान के बराबर है। तो यहां पर जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट निकाला था, सिंगल कोऑर्डिनेट निकाला था, सिंगल x निकाला था, यहां पर x और y निकालेंगे तो x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकलेगी, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 के मान के बराबर निकलेगी। इससे मैं क्या निकाल लेता हूँ, एक रिजल्ट निकाल लेता हूँ। रिजल्ट यह है, n निकाय वाले n द्रव्यमान, निकाय वाले ठीक है सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र। अब अगर मेरे पास यहां पर ये x अक्ष y अक्ष और z अक्ष है, ये x है, क्या हो रहा है, x y और z है, यहां पर बहुत सारे द्रव्यमान है m1 m2 mn ऐसा कर लिया, इसकी दूरी यहां पर r1 r2 rn है वेक्टर फॉर्मेट में, और सेंटर ऑफ मास यहां पर है वो मैंने r से शो कर दिया इसकी पोजीशन को। ठीक है, तो r इक्वल टू कितने के इक्वल है, वेक्टर r को मान लो मैंने एक्स आई, तो मेरे पास x बराबर आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डैश mn xn अपॉन m1 प्लस m2 डैश mn। y की वैल्यू अगर अपन निकालें तो m1 y1 प्लस m2 y2 डैश mn yn अपॉन m1 प्लस m2 डैश mn। ऐसी z के लिए निकालें m1 z1 प्लस m2 z2 डैश mn zn अपॉन m1 प्लस m2 डैश mn के बराबर होती है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर अगर मैं r1 को ले लूं, ये कितना आ जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ऐसी r2 ले लूं तो कितना आ जाएगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k आ जाएगा। ऐसे हम क्या कर लें, आए rn इक्वल टू xn i प्लस yn j प्लस zn k के मान के बराबर होगा, इनकी वैल्यू रखेगा तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन या द्रव्यमान केंद्र C x y z निकला। नोट कर लीजिएगा।